ठीक है, थैंक यू। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं आईसीटी। और स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेन जहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है उन सारी चीज़ों को एक बार हम अभी रिमाइंड करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक। तो थोड़ी ये क्विज टाइप की भी क्लास रहेगी और रिविजन टाइप की भी क्लास रहेगी। जो चीज़ें आपको बीच में कहीं पे भी अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं टोटल आईसीटी में, तो आप अभी यहीं पे क्लियर कर सकते हो जैसे ही हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो जनरेशन ऑफ टॉपिक में हमने 4 से 5 जनरेशन कंप्यूटर की देखी थी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और इसके बाद एक हमारी थी फिफ्थ जनरेशन। अब मोस्टली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन की सारी चीजें आपने याद कर ली होंगी। थोड़ा यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन अभी तक आया, एक अलग क्वेश्चन आ सकता है फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में कुछ एक नई चीजें सबसे पहली बार आई थी, जैसे यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड एंड वर्चुअल मेमोरी। ये सारी चीजें आपके फोर्थ जनरेशन में आई थी। अब मैं पहली, दूसरी, तीसरी जनरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है। पहले जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरे जनरेशन में फिर आपके ट्रांजिस्टर आ गए, तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, चौथे जनरेशन में जो बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट थे उनको एक जगह पे और रखा गया, तो उसे हमने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI सर्किट या फिर VLSI सर्किट आपके फोर्थ जनरेशन में ही होते हैं। जो थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है ये सारी चीजें, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड एंड वर्चुअल मेमोरी। तो मल्टी प्रोसेसिंग आप में से कोई डिफाइन करेगा, मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं हम, क्या पढ़ा था हमने? सर एट ए टाइम जैसे आप अभी कर रहे हैं, शो भी कर रहे हैं, ये सब जो एट ए टाइम होता है ना उसके लिए मल्टी प्रोसेसिंग, हर अलग हाँ अलग चीज। हाँ जी, वेरी गुड। ये मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम करने का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर को लिखना। तो अभी आजकल के टाइम पे जो गेम बनते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें ऑडियो वाला पार्ट भी होता है, वीडियो वाला पार्ट भी होता है। एक साथ जब हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया है, यानी कि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर रहा है, बना रहा है। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग किसे कहते हैं हम? सर आपने मेन फ्रेम के लिए बताया था ना, मतलब 1 ये रहेगा वहां पे सीपीयू और एक ही इस पे अलग अलग लोग काम करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। टाइम शेयरिंग हम किसे कहते हैं कि एक कंप्यूटर है और सेम टाइम पे बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो इसे हम टाइम शेयरिंग कहेंगे। ऑपरेटिंग स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड का मतलब यह है कि काम करने की स्पीड भी इसमें बड़ी है। और वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक एग्जाम्पल था कैश। कैश मेमोरी सबसे पहले आपकी फोर्थ जनरेशन में ही आई, और उसके बाद वर्चुअल मेमोरी का एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बफर मेमोरी। ये बफर मेमोरी और कैश मेमोरी आने से जो आपकी फोर्थ जनरेशन है वो और ज्यादा फास्ट हो गई। तो यहाँ पे ये जो माइक्रो प्रोसेसर आए उनमें ये सारी चीजें आपकी थी। तो सारी ये जो टेबल है ये तो आपको याद करना ही करना है, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट था मुझे लगता है आप काफी लोगों ने इग्नोर करा होगा, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे से अराइज हुआ था, सबसे ज्यादा चेंजेस साइज में कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर की, एकदम से कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा चेंज हो गया हो? फोर्थ जनरेशन नहीं, फोर्थ जनरेशन। थर्ड में हुआ सर, लेकिन थर्ड वो टेबल पे आ गया था, मतलब उतना ही। हाँ जी, थर्ड जनरेशन में आपका चेंज हुआ। देखो, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं था, थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर टेबल के ऊपर आ गया था क्योंकि हम आईसी सर्किट यूज करने लग गए थे। जब से आईसी सर्किट आया है, जब से आपका आईसी सर्किट आया है तब से कंप्यूटर का साइज एक तरह से मिरेकुलस वे में बहुत छोटा हो गया, क्योंकि जो पहले लंबे लंबे तार रहते थे अब वो जस्ट एक छोटी सी चिप में लाइन की फॉर्म में हमें दिख,
तो जब सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में चेंज आया तो उस समय साइज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और कंप्यूटर आपकी एक टेबल तक सिमट के रह गया। थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में भी आपका साइज छोटा हुआ, लेकिन अब क्योंकि पहले ही काफी इंटीग्रेशन हो चुका था तो वहां पे स्पीड ज्यादा बढ़ी, लेकिन साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। नो डाउट थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन उतना चेंज नहीं आया जितना दूसरी से तीसरी जनरेशन में चेंज आया है। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे कंप्यूटर खुद से सोच सकता है और खुद से ही पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर उसके अंदर जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है उसके बेस कंप्यूटर है वो वर्क कर सकता है। तो एआई जो है वो आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक है। और हो सकता है अभी एक एआई बहुत ज्यादा चल रहा है, चैट जीपीटी। सर, एआई का मतलब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस, देखो अभी तक जो कंप्यूटर था उसके पास कोई इंटेलेक्ट नहीं थी। आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर आपको उसी तरह से काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर यहाँ पे क्लिक हो रहा है, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी वीकनेस इससे पहले मानी जाती थी, कंप्यूटर को कुछ भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कंप्यूटर के पास अपनी एक इंटेलिजेंस है। जैसे अभी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी करके सॉफ्टवेयर, और या फिर अभी बस वेबसाइट फॉर्म में ये है। तो आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो, आप कुछ भी कंप्यूटर के साथ चैट कर सकते हो, आपको इवन आप असाइनमेंट भी बना सकते हो। आपका असाइनमेंट पूरा वैलिड तरीके से बनेगा, उसमें टाइटल्स रहेगा, सब टाइटल रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, आप अपनी थीसिस इससे बनवा सकते हो, उसमें सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा कुछ भी काम, आपको कोई पोयम आप लिखवाना चाहते हो तो कंप्यूटर पोयम भी लिख के आपको देगा। तो ये जो चैट जीपीटी है ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि कंप्यूटर थोड़ा बहुत खुद अपने से रिस्पॉन्स देने लगा है। ये चैट जीपीटी के बारे में भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ये आपका लिटरेचर या फिर लिंग्विस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लिंग्विस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ये वर्ड्स के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी पिक्चर को पहचान लेगा, किसी ऑडियो को पहचान लेगा, इसमें बस वर्ड्स हैं। अगर आप वर्ड्स में इसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो ये वर्ड्स में ही आपको सॉल्यूशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, वो भी आप बता सकते हो, कंप्यूटर आपको वर्ड्स में ही सॉल्यूशन देगा। जैसे हम चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर से आप चैट कर सकते हो। तो ये एआई का एग्जाम्पल हो गया। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपका फिफ्थ जनरेशन का था। और इसके अलावा ये नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज भी समझने में अब सक्षम हो चुका है। जैसे चैट जीपीटी है उससे हम अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। ये आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ एक मेन क्वेश्चन हो गए जो आ सकते हैं। अब आपके कोई डाउट है इस टॉपिक में? सर, जो अभी मतलब जो अभी पेपर हुए हैं इसी में जून में, तो बोल रहे हैं कि एआई के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें यही इन्हीं चीजों से आ सकते हैं क्वेश्चन, या कुछ और भी बाहर से डाल सकते हैं अभी? देखिए एआई के ऊपर का यही आएगा कि एआई का कंसेप्ट क्या है। एआई का कंसेप्ट यही है कि कंप्यूटर खुद से अभी सोचने लगा है, एक तो ये हो गया। और दूसरा ये जो सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, अब इसकी मैं वेबसाइट भी बता देता हूँ, इसको आप खोल सकते हो, open.ai। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा यही सॉफ्टवेयर चल रहा है एआई में, तो ये एक वर्ड्स की फॉर्म में सॉफ्टवेयर है। अब यूजीसी वैसे कहीं से भी क्वेश्चन दे सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही हैं। जैसे एक पेपर मैंने भी देखा था तो उसमें एआई का जस्ट कंसेप्ट पूछा गया था कि एआई कंप्यूटर की कौन सी प्रॉपर्टी के कौन सी उसकी वीकनेस को सॉल्व करता है। तो कंप्यूटर की कुछ एक वीकनेस है, उसमें से एक वीकनेस ये थी कि कंप्यूटर खुद से कुछ काम नहीं कर सकता है, तो एआई उसको सॉल्व कर रहा है। एक और वीकनेस कंप्यूटर की ये थी कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, अब कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को भी समझ सकता है। तो एआई का आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा,
और हो सकता है इससे चैट जीपीटी से क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए, बाकी अब बाहर से कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। एआई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में थोड़े बताएं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। मिनी फ्रेम कंप्यूटर अभी जब हम आगे देखेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर को हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे, तो वहीं पर हम मिनी मिनी फ्रेम कंप्यूटर को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एआई से रिलेटेड मैंने नोट कर लिया है, अगर एआई से रिलेटेड मुझे कुछ और क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं ग्रुप में आपको शेयर करूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसी में हम मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्लियर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने दो तरीके से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया, एक था हमारे साइज के बेसिस पे और एक था कौन से सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है उसके बेसिस पे। तो अब आप में से कोई एक्सप्लेन कीजिए माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को। सर, माइक्रो सर माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर वो तो, लैपटॉप और ये जो हम अभी यूज करते हैं, टैबलेट वगैरह। मिनी कंप्यूटर हाँ अभी रहे नहीं, अभी नहीं होते। हाँ और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आप बताने वाले हैं कि वो एक ही, इस पे बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, जैसे रेलवे टिकट काउंटर के यहाँ जैसे हम देखते हैं ना, बहुत से लोग काम करते हैं एक ही इस पे वो टाइप। और सुपर कंप्यूटर जैसे परम शिवा, जो ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग जिसपे होता है, जो हाँ बड़े जो एक साथ में बहुत सारे हाई इंस्ट्रक्शन स्पीड। को, यस हाँ एक साथ में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोसेस कर सकता है कंप्यूटर को, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो एक साथ में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को सुपर कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में आपका फोन भी आ गया, आपका लैपटॉप भी आ गया, इसके अलावा आपका जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो भी माइक्रो कंप्यूटर में आ गए। तो माइक्रो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनमें माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो ये अभी के जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। इसके अलावा इन्हें अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन माइक्रो सर, कंप्यूटर से लैपटॉप बहुत, वगैरह भी मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी हाँ माइक्रो में ये ही सारे मतलब माइक्रो कंप्यूटर आएंगे। में आते हैं सर। हाँ क्योंकि सब में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और साइज वाइज सभी माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। नेक्स्ट है आपके मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर पहले हम मेन फ्रेम कंप्यूटर समझ लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़े से बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनका एक बड़ा सीपीयू रहता है और ये सीपीयू से बहुत सारे छोटे छोटे डेस्कटॉप जुड़े हुए रहते हैं जहाँ पे कि अलग अलग लोग इन पे काम कर सकते हैं। जैसे ये एक सीपीयू हो गया, अब इससे चार डेस्कटॉप जुड़े हुए हैं तो चार लोग इस सीपीयू पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अब तो ये भी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के आ रहे हैं, लेकिन साइज वाइज ये बड़े हैं, ये एक साथ बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इन दोनों के साइज को अगर हम देखें तो इन दोनों के साइज के बीच के जो कंप्यूटर आते थे वो हैं आपके मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जैसे आपका जो डेस्कटॉप है उससे थोड़े बड़े होते थे और उन्हें ही हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो अभी थोड़ा मिनी कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी मिनी कंप्यूटर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। या तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे अगर आप किसी बैंक वगैरह में जाओगे तो, और माइक्रो कंप्यूटर तो हमें दिख ही रहे हैं। तो मिनी कंप्यूटर इन दोनों के सर, बीच है। रेलवे तो वगैरह में भी यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़ी हाँ बैंक्स रेल, है। हाँ जी वहाँ पे भी यूज होगा, जहाँ पे कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो जस्ट उनके पास स्क्रीन है और सीपीयू मेन कहीं पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे जो रूम्स हैं उनमें ये फैले हुए रहते हैं और ये एक साथ बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। के अलावा इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर होते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? सर मिनी का यूज कहाँ पर से बताएं सर, एक दो बता देंगे एग्जांपल। हाँ मिनी का यूज जैसे हमारा माइक्रो कंप्यूटर का यूज था, बिल्कुल वही मिनी कंप्यूटर का यूज था, लेकिन अब उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब वो यूज नहीं होते। बाकी उनका यूज पर्सनल यूज था सर, मिनी और कंप्यूटर थोड़ा बहुत मतलब जो आरक्षण के लिए, यात्रियों के टिकट विकेट है ना, छोटे ऑफिस में जो छोटे छोटे काम होते हैं,
उसमें मतलब पर्सनली यूज हो जाता है थोड़ा बहुत, ये व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। मतलब जहां पे अभी आपके माइक्रो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं ना, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वहां हाँ पे उन्होंने उनकी जगह ले ली है सारी माइक्रो ने, तो यूज ही नहीं है ज्यादा मिनी का। हाँ जी, वहां पे पहले मिनी यूज होते थे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं जैसे वेदर फॉरकास्टिंग में। अब ये वेदर फॉरकास्ट की कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, किधर से हवाएं आ रही हैं, किधर को बादल जाएंगे, कितनी स्पीड से बादल आ रहे हैं, कहाँ पे अगर पहाड़ है तो उससे टकराएंगे। तो वेदर फॉरकास्टिंग, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है लाइट की प्रॉपर्टी देखना, क्लाइमेट रिसर्च और साइंटिफिक सिमुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जहां पे भी आपके बहुत टफ टफ कुछ जॉब होती है वहां पे आपका सुपर कंप्यूटर यूज होता है। अब एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जो इंडिया है वो अपने सारे रिसर्च सेंटर में एक एक सुपर कंप्यूटर लगा रहा है और सारे सुपर कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा है। कौन सी योजना है वो? अभी जब हमने आईसीटी की क्विज की थी तब हमने पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट है वो हर इंस्टीट्यूट पे, जैसे आपका इसरो हो गया, वहां पे अपना एक सुपर कंप्यूटर लगा रहा है और सारे सुपर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रही है। किसी को याद है? ठीक है, मुझे भी अभी वो याद नहीं है। वो एक बार आप लोग देख लेना, जब हमने पेपर किया था उस समय उस योजना के बारे में हमने पढ़ा था, और ग्रुप में शेयर कर देना जिन लोगों को भी मिलता है जिन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो है टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ये एक परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन, और इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी है परम सिद्धि। तो ये आपका कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वर्किंग प्रिंसिपल एंड डेटा हैंडलिंग एबिलिटीज। कंप्यूटर कौन से सिग्नल के ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिकल डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, डिजिटल डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने तीन उसमें डिवाइड किया था। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं ये फिजिकल सिग्नल या फिर फिजिकल डेटा के ऊपर काम करते हैं। फिजिकल सिग्नल का मतलब हो गया जैसे किसी गाड़ी की स्पीड हो गई, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उन सभी फिजिकल चीजों को के साथ काम करने वाले कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आपके बाइनरी में काम करते हैं और डिजिटल फंक्शन वगैरह करते हैं, जोड़ना, घटाना, माइनस, मल्टीप्लाई करना। हाइब्रिड कंप्यूटर में ये दोनों ही कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं। तो वहां पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपका जो एटीएम है वो कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग है, डिजिटल है या फिर हाइब्रिड है? हाइब्रिड हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्यों हाइब्रिड कंप्यूटर है, एक्सप्लेन करोगे आप? देखिए, एटीएम के अंदर दो चीजें चल रही हैं, एक तो वहां पे फिजिकल नोट रखे हुए हैं, फिजिकल करेंसी है, जैसे 100-100 के नोट हो गए। तो एनालॉग कंप्यूटर इन फिजिकल नोटों को गिनने का काम करेगा कि हाँ इतने नोट हैं, या फिर जब हम कैश निकालते हैं उस समय भी उन नोट्स को गिनने का काम आपका एनालॉग कंप्यूटर करेगा, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर किसी भी फिजिकल चीज के ऊपर काम नहीं कर सकता। अब एक बार एनालॉग कंप्यूटर ने इन चीजों को गिन लिया है तो उसके बाद वो उसे भेजेगा डिजिटल कंप्यूटर के पास। डिजिटल कंप्यूटर अब उसमें से जोड़ घटाना करेगा कि हाँ इनके अकाउंट में इतने चले गए हैं, अब इतने रहे हैं। तो एटीएम जो है उसमें आपका दोनों चीजें होती हैं, डिजिटल भी और एनालॉग भी। तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा, कौन से कंप्यूटर में कंटिन्यूअस डेटा होता है और कौन से कंप्यूटर में? एनालॉग मध्ये कंटिन्यूअस होती है, हाँ डिस्क्रीट एनालॉग में, होता है। हाँ जी,
देखिए एनालॉग जो कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हम नाप रहे हैं, तो टेम्परेचर ऐसे थोड़ा ना एकदम से 0 से 5 चले जाएगा, 5 से फिर 15 चले जाएगा, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ना, 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा, ऐसे कम होगा। तो ये जहां पे भी इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर का ग्राफ है। लेकिन डिजिटल में मैंने आपको बताया था दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा तीसरी वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आगे बढ़ता है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हमने यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी थी, इनपुट डिवाइस, उसके बाद ये प्रोसेसिंग, और उसके बाद आउटपुट। प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें थी? सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिकल। हाँ, और दूसरी LU। तो ठीक है, सबसे पहले ये आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। हमेशा इनपुट सिग्नल, इनपुट डिवाइस क्या करेगा, हमारे जो सिग्नल हैं उनको लेके जाएगा प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर उस चीज को प्रोसेस करेगा और उसे हमें दिखाएगा आउटपुट सिस्टम, आउटपुट के फॉर्म में, यानी कि स्क्रीन। जैसे कि माउस है, माउस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो इनपुट हो गया, कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस कर रहा है, और आउटपुट आपको स्क्रीन की फॉर्म में, ये ब्लू लाइन की फॉर्म में दिख रहा है। तो ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट हो गया, और बीच बीच में स्टोरेज और प्रोसेसिंग आपस में जुड़ी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पिक्चर खोली, तो वो पिक्चर आपको स्टोरेज से ही आपकी प्रोसेसिंग में भेजी जाएगी। तो कंप्यूटर का काम करने का तरीका पूरी तरह से ऐसा ही है। अब इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताए थे, कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड में एक और अभी क्वेश्चन आया था, कीबोर्ड में जो नॉर्मल चलता है कौन सा कोड कहते हैं हम उसे? एस्काई कोड, ASCII। एस्काई वैल्यू आपकी कीबोर्ड में चलती है। एस्काई वैल्यू हम कहते हैं कि ये जो है ना, QWERT पहले है, ASDF नीचे की लाइन में है, इन सब की पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। तो इन वैल्यूज को हम एस्काई वैल्यूज कहते हैं। अब ये जो एस्काई वैल्यूज हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग सारे कीबोर्ड बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसके बाद जॉयस्टिक, ये भी हमने पढ़ा था, टच पैड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, स्टाइलस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, MICR, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर, और जो ये काम करता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इन दोनों में डिफरेंस बताएगा आप में से कोई? MICR ये रहेगा सर, क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और जो काम करेगा वो प्रोसेसिंग, उसे कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलेंगे, हाँ, देखिए मैग्नेटिक इंक का मैंने, जो रिजल्ट है वो कैरेक्टर। जो आपकी चेकबुक होती हैं उनमें ब्लैक कलर के आपने डॉट देखे होंगे, तो उसमें मैग्नेटिक इंक में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो डिवाइस होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये उस इंफॉर्मेशन को रीड करके कंप्यूटर के पास भेजता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आपके ATM में यूज होता है, आपकी चेकबुक में यूज होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या काम करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और स्कैनर में क्या डिफरेंस है? ये कैरेक्टर ऑप्टिकल रीडर तो वर्ड्स कैरेक्टर के रहेगा, और मतलब स्कैनर वो, फोटोज वगैरह भी रहेगा। हाँ हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये जो फोटो दिख रही है, अगर मैं इसको स्कैन करूं तो जस्ट मेरे पास एक पिक्चर फॉर्म में ये पूरा पेज आ जाएगा, अगर मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी है। पर अगर मैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से, अगर मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से मेरे पास ये वर्ड्स लिखे हुए आ जाएंगे। मैं इन वर्ड्स को एडिट कर सकता हूँ, इन अल्फाबेट्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो करेक्टर रीडर का मतलब ये है कि ये करेक्टर को रीड करता है, शब्दों को पढ़ता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नेक्स्ट है बार कोड रीडर।
बार कोड रीडर मोस्टली आपका कहाँ पे यूज होता है? मॉल्स में और शॉप में प्रोडक्ट्स हाँ, मॉल्स, वगैरह बार कोड के अंदर ही एक बार कोड बना हुआ रहता है, इस तरीके का बार कोड रहता है, लाइन लाइन इसमें होती है, ये बार कोड है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह सब कुछ रहेगा। तो बार कोड स्कैनर एक गन टाइप का डिवाइस होता है, जो कि जब इस पे पॉइंट करते हैं तो वो बता देता है कि इस बार कोड में कितना प्राइस है, कितना क्या है। तो इसको हम बार कोड कहते हैं, और इससे इंफॉर्मेशन लेने वाला बार कोड रीडर आपका हो गया, ये बार कोड है। क्यूआर कोड रीडर, जैसे बार कोड रीडर है वैसे ही क्यूआर कोड रीडर भी होता है, जो क्यूआर में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को हमें हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। क्यूआर की फुल फॉर्म बताइए। हाँ, क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका जो ओएमआर शीट है, उस ओएमआर शीट में जो भी आपने आपने कभी पहले पहले एग्जाम दिया होगा तो सर्कल्स फिल करने होते थे, तो वो इन सर्कल्स को रीड करके बताता था कि कौन से ऑप्शन का क्या किसी कैंडिडेट ने चुना है विकल्प। बायोमेट्रिक डिवाइस, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो अभी हमने जितने इनपुट डिवाइस पढ़े, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? सर ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में ऐसी चीजें आती हैं जो कि कंप्यूटर जिन भी चीजों को प्रोसेस कर रहा है, उन प्रोसेस वाली चीजों को यूजर तक पहुंचाने का काम आउटपुट डिवाइस करते हैं। अब आउटपुट डिवाइस में मेन मेन आपके ये आउटपुट डिवाइस हो गए, जैसे मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, ये मॉनिटर के टाइप हो गए, सीआरटी मॉनिटर और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। उसके बाद वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या काम करता है? वीडियोस को स्टोर करके हमें मतलब वो जो लैपटॉप में वीडियो कार्ड लगा रहेगा तभी हम कुछ देख पाएंगे वीडियोस में। हाँ, वीडियो कार्ड आपका जो मॉनिटर है उसको इनेबल करता है वीडियोस को दिखाने के लिए, तो ये मॉनिटर की हेल्प कर रहा है आउटपुट देने में, इसीलिए वीडियो कार्ड भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब बिल्कुल ऐसा ही आपका साउंड कार्ड भी होता है, जो कि स्पीकर की हेल्प करता है साउंड को आउटपुट करने में। नेक्स्ट प्रिंटर, टच स्क्रीन आपके इनपुट में भी आ जाएगी, आउटपुट में भी आ जाएगी। प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, और उसके साथ है साउंड कार्ड जो कि प्रोजेक्टर की हेल्प करता है। हेडफोन्स, ये भी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जीपीएस क्या, किस चीज का आउटपुट देता है हमें? लोकेशन हमारे लोकेशन की आउटपुट देता है जीपीएस हमें, कि अर्थ पे हम कहाँ पे हैं एक्चुअल में, उसका हमें लोकेशन बताता है। ये लगभग 31 सैटेलाइट को यूज करता है, और उनकी हेल्प से हमें आउटपुट देता है। ये जो सैटेलाइट हैं, ये माइक्रोवेव सिग्नल यूज करती हैं। और ये जो जीपीएस है, इंडिया ने अपना भी एक जीपीएस डेवलप किया था, उसका नाम बताया था मैंने आपको, नाविक नाविक नाविक। हाँ जी, बहुत सारे फोन्स में अब गूगल के जीपीएस की जगह हमें नाविक भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ब्रेल रीडर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर में स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है, अब अगर कोई देख नहीं सकता है तो वो कैसे कंप्यूटर पे लिखी हुई चीजों को पढ़ पाएगा, तो उसके लिए ये ब्रेल रीडर होता है। ये क्या करता है, इसको कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करना होता है और इस पे हाथ रखने होते हैं, तो ये जो भी कंप्यूटर में लिखा हुआ आ रहा है उसको ये कन्वर्ट कर देता है ब्रेल फॉर्म में। तो ब्रेल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लोग इसके ऊपर हाथ फिरा के पढ़ सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस ये जो भी लिखा हुआ है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है, जो कि बहुत हाई क्वालिटी के प्रिंट करने में यूज होता है। जैसे किसी बिल्डिंग का बिल्कुल एक्यूरेट अगर नक्शा बनाना है तो वहां पे हम प्लॉटर यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस से संबंधित कोई डाउट है आपके? अभी हमने जो क्विज करी थी, आपके जो अभी मॉक टेस्ट हुए थे, उसमें भी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है तो आप साथ साथ में पूछ सकते हो। प्लॉटर से क्या पहले बताए थे सर, ब्रेन?
ब्रेल रीडर, सर ब्रेल रीडर, दिव्यांग लोग जो करते हैं सर इस तरह पढ़ाई करते हैं इसी से क्या सर? हाँ दिव्यांग में भी स्पेशली जो देख नहीं सकते हैं वो लोग इसके ऊपर टच करके देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या चल रहा है, यानी कि जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा है वो इसके में डॉट डॉट की फॉर्म में उभर के आ जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेन रीडर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन चीजें होती हैं, एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरी है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरी है मेमोरी यूनिट। तो आप में से कोई एक बार तीनों का ही फंक्शन बताइए। अरिथमेटिक तो जो कैलकुलेशन वगैरह होती हैं वो करता है, कंट्रोल यूनिट कहाँ पे कौन सा डेटा भेजना है उसको कंट्रोल यूनिट करता है, और जो मेमोरी यूनिट है जो भी हम वर्क कर रहे हैं जो सेव हो रहा है वो मेमोरी यूनिट में होता है। हाँ, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि इनपुट डिवाइस कितने रखने हैं, आउटपुट डिवाइस कितने रखने हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कैसे इंफॉर्मेशन भेजनी है, कौन से प्रोग्राम को कितना टाइम देना है, कितनी रैम देनी है, ये सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, यानी कि कंट्रोल को कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है ये। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो अर्थमेटिक जो यूनिट है वो सिंपल ऑपरेशन करती है, जैसे कि किसी को जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, ये सारे काम अर्थमेटिक यूनिट करती है। और लॉजिकल यूनिट लॉजिक वाले काम करती है, जैसे एंड, और, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। अब ये एंड और का मतलब, ये अलग अलग गेट होते हैं कंप्यूटर में। जैसे एंड का मतलब ये है कि अगर दो चीजें हैं तो इनके बीच में अगर एंड लगा है तो कंप्यूटर दोनों को ही सेलेक्ट कर लेगा। अगर दो चीजों के बीच में और लगा हुआ है तो कंप्यूटर इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेगा। तो ये गेट होते हैं कंप्यूटर में। तो ये जितनी भी लॉजिकल चीजें हैं, जैसे एंड और, इक्वल, दो चीजों को कंपेयर करना, दो चीजों में बड़ा देखना, दो चीजों में छोटा देखना, ये लॉजिकल सारे काम आपकी लॉजिकल यूनिट करती है। मेमोरी यूनिट क्या काम करती है? मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने का काम करती है। कौन सी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है? सेकेंडरी हाँ, सेकेंडरी मेमोरी में होता है डेटा स्टोर, लेकिन कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? बाइनरी 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 वेरी गुड, बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इवन जो हम पिक्चर, अगर कोई पिक्चर हम सेव कर रहे हैं तो वो पिक्चर भी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में तीन तरह की मेमोरी आपकी आ जाती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था, जो कि सीपीयू का भाग होती है, मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। और दो मेन मेमोरी आ जाती है, रैम और रोम। रैम आपकी दो तरह की होती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रोम, मैंने आपको चार तरह से इसका इसकी फुल फॉर्म याद करने को बोला था। रैम में जो चीजें सेव होती हैं वो लाइट ऑफ होने पे डिलीट हो जाती हैं। रैम में वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारे रैम के हेल्प से ही करते हैं। मैंने आपको बताया था रैम को आप अपने मन की तरह मान सकते हो, और सेकेंडरी मेमोरी आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया, आपका चित्त हो गया, जिसमें सारी जो याददाश्त है वो पड़ी हुई है। लेकिन वर्तमान में जो हमारी जिस मेमोरी से हम काम करेंगे वो हमारा मन है, वैसे ही कंप्यूटर वर्तमान में, प्रेजेंट में जिन भी चीजों के ऊपर काम करता है वो रैम की हेल्प से काम करता है। रोम, रोम में आपके प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं कंपनी के द्वारा कि कैसे किसी कंप्यूटर को हमें स्टार्ट करना है। तो रोम के अंदर जो प्रोग्राम लिखे हुए रहते हैं, उस प्रोग्राम को क्या क्या बताया था आपको मैंने? परमानेंट नहीं, रोम, हाँ ये परमानेंट तो होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, ये सारी प्रोग्राम पहले से ही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रोम में रख देती है। उन प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम? सर बूटिंग कहते हैं ना, बूट। हाँ, बूट का मतलब है उन प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करना,
लेकिन उस प्रोग्राम को हम कहते हैं, रीड रीड ओनली नहीं रीड नॉन ओनली है ही नहीं, वोलेटाइल सेल। इसे बायोस कहते हैं इन प्रोग्राम्स को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्विज में मैंने बताया था आपको ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोग्राम सेव करके रखती है रोम में कि कैसे कोई कंप्यूटर स्टार्ट होगा, उसे हम बायोस प्रोग्राम कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर के खुलने पे ये जब सबसे पहले काम करता है उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो जिस मेमोरी में प्रोग्राम सेव है स्टार्ट होने का, उस मेमोरी को हमने कहा रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कंपनी वालों ने जो ऐड कर दिया है बस वही इसमें रहेगा। उस प्रोग्राम का नाम है बायोस, और जब वो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ये चार टाइप की रोम है, इनका नाम आपको याद कर लेना है। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में, हाँ जी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, मैंने एक जगह पे पढ़ा था जो EEP रोम है। वैसे हाँ तो जो रोम होती है वो केवल पढ़ने के लिए होती है, लेकिन इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, EP रोम और EEP रोम को, ऐसा हाँ है? जी हाँ ऐसा है। इनके इनके जो आपके जो टाइप हैं, जैसे एम रोम, पी रोम, इप रोम और EEPROM, ये इसी के अकॉर्डिंग ये टाइप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी एम रोम है, मास्टर रीड ओनली मेमोरी, इसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब इनमें डिफरेंस भी लिख लीजिए आप। कभी भी इसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो कंपनी ने डाल दिया वो हमेशा इसमें रहेगा। पी रोम को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको आप एक बार जो कंपनी ने डाल दिया उसे मैक्सिमम एक बार चेंज कर सकते हो। जो कंपनी ने इसमें बायो सेटअप डाला है उसे मैक्सिमम एक बार चेंज कर सकते हो। उसके बाद आती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो कंपनी ने डाला है उसे आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आप खुद से चेंज नहीं कर सकते उसे। आपको उसे किसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास ले जाना होगा, वो यूवी रेस की हेल्प से इसके अंदर के डेटा को डिलीट करेगा, फिर इसमें नया डेटा डालेगा। तो इसको हम कहते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ होती है। उसके बाद लास्ट टाइप की होती है आपकी EEPROM, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर के डेटा को भी आप कितने भी बार इरेज करके नया डेटा डाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या सहूलियत रहती है कि आपको बार बार यूवी रेज से डेटा को इरेज करने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी से ही इसको चेंज कर सकते हो, लाइट से ही आप जोड़ के इसके अंदर के डेटा को इरेज कर सकते हो। तो डेटा इरेजेबल है या नहीं है, किस तरीके से डेटा इरेजेबल है, इसके अकॉर्डिंग ये चार तरह की मेमोरी होती है। तो आपको लिखना है, आप लिख लीजिए। वैसे अभी तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, फुल फॉर्म जस्ट आई है, पर हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। तो अभी हमने ये बात कर ली है तो आप लिख लीजिए इसे। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट करूं। ठीक यस सर, है, सबसे पहले एम रोम, मास्ट रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर जो डेटा चले गया वो कभी भी इरेज नहीं हो पाएगा। उसके बाद है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर जो डेटा गया है उसे मैक्सिमम एक बार हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एप रोम, इसके अंदर जो डेटा गया है आप उसे कितने भी बार चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज आपको फिजिकल मेथड से करना पड़ेगा। जैसे यूवी लाइट के को उसके ऊपर डालना पड़ेगा, तब यूवी लाइट की हेल्प से वो डेटा चेंज होगा, वो तरीका इजी नहीं रहेगा। लास्ट में आती है EEPROM, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही जिसके अंदर का डेटा हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार की आपकी रोम होती हैं, अभी मोस्टली कंप्यूटर में ये यूज होती है। तो भले ही इसके अंदर के डेटा को हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसे रीड ओनली मेमोरी मान के चलना है, क्योंकि अपनी जनरल लाइफ में ऐसा नहीं है कि कभी भी हम इसे चेंज करें। बहुत
इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी होगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है ये। इन जनरल ये रीड ओनली मेमोरी ही रहेगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कि आपकी मदरबोर्ड से बाहर होती है, और जो भी आप अपने कंप्यूटर में चीजें सेव कर रहे हो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हमने देखे थे, जैसे सबसे पहले ये आपकी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। तो इसके मैंने आपको कहा था कि इसके आप एग्जाम्पल याद कर लोगे। मैग्नेटिक टेप का मतलब ये है जो कि मैग्नेटिक टेप में डेटा सेव किया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम पे जो कैसेट वगैरह थी, जिनमें एक एक लंबा जो ब्लैक कलर का पेपर टाइप का जो वायर होता था वो गोल गोल उसमें रखा रहता था, ऑडियो कैसेट, वो मैग्नेटिक टेप होती थी। उसमें मैग्नेट की फॉर्म में उसमें डेटा रहता था। मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, इसमें आपकी आ जाती है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, इनका मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था। और फ्लैश मेमोरी में आपकी आ जाती है मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और एसएसडी। अब जो हार्ड डिस्क यूज होती है हमारे कंप्यूटर में, जो अभी हमारे कंप्यूटर में, पहले जो सेकेंडरी मेमोरी यूज होती थी, कौन सी मेमोरी यूज होती थी? HDD में हाँ, कंप्यूटर की जो मेन सेकेंडरी मेमोरी पहले हुआ करती थी वो थी आपकी HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। अब कंप्यूटर की मेन सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? SSD. SSD, सॉरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर HDD भी बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, सॉलिड डिस्क ड्राइव भी इसे बोलते हैं। तो जहां जो हार्ड डिस्क ड्राइव थी वो एक मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी थी, यानी कि उसमें मैग्नेटिक डिस्क में डेटा सेव हो रहा था। सॉलिड स्टेट ड्राइव मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी नहीं है, फ्लैश मेमोरी है। ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है और बहुत फास्ट होती है ये एज कंपेयर टू HDD, लेकिन इसकी कीमत HDD से ज्यादा होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कीमत वाइज HDD की कीमत ज्यादा है, सॉरी SSD की कीमत ज्यादा है, और स्पीड वाइज भी SSD की जो स्पीड है वो ज्यादा है, और इलेक्ट्रिसिटी भी SSD कम कंज्यूम करती है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, सीपीयू और रैम के बीच में ये कैश मेमोरी लगी सर हुई सर है। एक बार मुझे ये मैग्नेटिक मेमोरी और ये बता दीजिए, 2 मिनट पानी पीने के इतने छूट गया। मैग्नेटिक मेमोरी वो 3 4 मेमोरी थी ना सर, इसके थोड़ा ऊपर। हाँ सर ये ये कह रहे हो आप नहीं सर, इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? हाँ नहीं, इसके ऊपर थी ना सर, छोटे छोटे ये दो तीन मेंबर। हाँ ये नहीं, इसके इसके नीचे सर। मैग्नेटिक मेमोरी और वो, है ना, मैग्नेटिक मेमोरी ये है। हाँ किस फॉर्म में डेटा सेव हो रहा है? जैसे सबसे पहले मैं, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। हाँ तो देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा, बाकी ज्यादा आपको इनके एग्जाम्पल को याद रखना है। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप, जिसमें जो आपका डेटा है, जो आपकी जानकारी है, वो मैग्नेटिक टेप में सेव होती थी। जैसे ऑडियो कैसेट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओ मैग दादा डिस्क, मेहंदी लग रही ना सर। अब माइक ऑफ कर लीजिए अपना जिनका खुला हुआ है। मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी में हम मैग्नेटिक जो डिस्क है, इस तरीके की डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है ये, इसमें डेटा सेव होता है। ऑप्टिकल डिस्क में हम लाइट की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं, और इसके एग्जांपल हो गए सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। फ्लैश मेमोरी इन सबसे अलग होती है, और आजकल के टाइम पे फ्लैश मेमोरी ही यूज हो रही है, जैसे आपकी मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और SSD। तो ये तीन चार तरह की आपकी मेमोरी हैं, इनके एग्जाम्पल आपको याद करना है, और दूसरा HDD और SSD में डिफरेंस। ब्लू रे डिस्क थोड़ा बता देंगे सर?
हाँ ब्लू रे जैसे आपने सीडी देखी होगी ना, डीवीडी भी आपने देखी होगी, तो सीडी और डीवीडी से ज्यादा एडवांस थी आपकी ब्लू रे। इसकी स्पीड भी ज्यादा थी और इसकी स्टोरेज भी ज्यादा थी। लेकिन ब्लू रे हम सबने इसलिए नहीं देखा क्योंकि जैसे ही ब्लू रे आया उसी टाइम पे मेमोरी कार्ड भी आ गया, तो मेमोरी कार्ड लोगों को थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगा, तो मेमोरी कार्ड ज्यादा चलने लग गए। तो ब्लू रे डीवीडी की तरह ही एक डिस्क होती है जो डीवीडी से थोड़ा ज्यादा फास्ट होती है, उससे ज्यादा स्टोरेज वाली होती है, लेकिन ज्यादा ब्लू रे चल नहीं पाई क्योंकि उसी टाइम पे मेमोरी कार्ड भी आ गया था, तो वो ज्यादा चली गया। ओके ठीक है, कैश मेमोरी हमने पढ़ा था, जो भी चीजें हम लगातार यूज करते रहते हैं, ये आपका प्रोसेसर है और ये आपकी रैम हो गई, ये आपकी कैश होती है। तो जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो पहले सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आता है, फिर रैम से वो प्रोसेसर के पास जाता है, फिर प्रोसेसर उसको देखता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी चीजों को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उन सभी चीजों को कैश मेमोरी में सेव कर देता है, ताकि प्रोसेसर को उन चीजों के लिए बार बार रैम से होके सेकेंडरी मेमोरी के पास ना जाना पड़े, सीधे ही प्रोसेसर कैश मेमोरी से उन चीजों को उठा लेता है। तो कैश मेमोरी भी एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसका जो तो डेटा है वो बार बार बदलता रहता है, और ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी दो तरह की होती है, L1 कैश मेमोरी जो कि इंटरनल होती है, और L2 कैश मेमोरी जो कि एक्सटर्नल होती है। तो मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई डाउट है? जरूर सर। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमने दो तरह के पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी कंप्यूटर को काम करने के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं, जो कि हार्डवेयर को यूज होने लायक बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो आपका कंप्यूटर है, जस्ट वो एक प्लास्टिक का या फिर एक मेटल का टुकड़ा है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज होने लायक बनाते हैं। जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन मेन कैटेगरी है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है लैंग्वेज प्रोसेसर और एक है डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो आपका मेन सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे लाइनक्स, विंडो। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के? एंड्रॉयड, एप्पल के लिए मैकिंटोश हो गया, हाँ मैक देखा उबंटू। था, हाँ जी उबंटू था, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। लैंग्वेज प्रोसेसर दो तीन तरह के हमने पढ़े थे, जो कि एक असेंबलर था और जो कि हाई लेवल को लो लेवल में कर रहा था, इस तरीके से दो तीन तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर थे। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी थर्ड पार्टी जो डिवाइस है उसको यूज होने लायक बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माउस को डायरेक्ट हम अपने कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं, जब तक कि माउस का जो ड्राइवर है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो। तो डिवाइस ड्राइवर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी हार्डवेयर को काम करने लायक बनाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने देखे थे जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस जो कि हर कोई यूज करता है, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो कि किसी एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए, किसी एक स्पेशल कंपनी के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर, ठीक है, उसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जो सॉफ्टवेयर हैं उनके प्रोपराइटरी के बेसिस पे, कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर के पैसे देने हैं, उसके बेसिस पे मैंने आपको क्विज में तीन चार तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ओपनवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, वो है ना सर? हाँ, सबसे पहले थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थे आपके फ्रीवेयर, उसके बाद थे शेयरवेयर, उसके बाद थे आपके पेड सॉफ्टवेयर, या फिर इन्हें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी हम कहते हैं।
ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, शेयरवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो बताइए क्या क्या डिफरेंस है इसमें। सर ओपन वेयर सबके लिए ओपन होता है, उसके कोई चार्ज नहीं देने पड़ते, और फ्री वेयर में हम दिनों तक फ्री यूज कर सकते हैं बट उसके बाद चार्ज देने पड़ते हैं, और शेयर वेयर का याद नहीं आ रहा सर, और पेड़ का तो पूरा ही चार्ज देना पड़ता है। आपने शेयर फ्री, वेयर वो डेमो के लिए होता है, ये जो पहले कुछ दिन यूज कर लो फिर पेड करो, उसके लिए शेयर वेयर है। हाँ आपने फ्री वेयर का बता दिया, जो आपने फ्री वेयर में बताया वो होता है शेयर वेयर का, और जो आपने ओपन का बताया वो होता है फ्री वेयर का। तो ओपन सोर्स का बताइए, ओपन सोर्स का किसी और को पता है? ओपन सोर्स, फ्री वेयर, शेयर वेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया था और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इससे। सर ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपने बताया था कि ये फ्री में यूज कर सकता है, जिसमें कि चेंजेस भी हम कर सकते हैं, जैसे कोई कोडिंग या सॉफ्टवेयर ऐसा हाँ था। जी बिल्कुल, इनको हम फ्री में यूज कर सकते हैं और इनमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सोर्स देखिए, सोर्स क्यों लिखा है यहाँ पे? तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसके पीछे कोडिंग होती है। जैसे यहाँ पे गूगल मीट बना है तो इसके पीछे भी कोडिंग की होगी, प्रोग्रामिंग की होगी। उस कोडिंग को हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब जिस कोड से सॉफ्टवेयर बना है उस कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। तो ओपन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में देती ही देती हैं, साथ में सोर्स कोड भी दे देती हैं कि आपको कोई चेंज करना है तो इस सोर्स कोड में चेंज करके आप पूरे सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हमने देखा था लाइनेक्स, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। एक VLC भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर हमने देखा था ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंपनीज हमें फ्री में यूज करने को दे देती हैं, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं देती हैं। यानी कि आप उन्हें फ्री में यूज कर सकते हो लेकिन उन्हें चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है शेयरवेयर, जो कि आप बस कुछ दिनों तक फ्री में यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको उन्हें उनके पैसे देने पड़ेंगे। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो कि पहले से ही पेड होते हैं। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल विंडोज। और विंडोज बहुत सारे लोग बिना खरीदे भी चलाते हैं, तो वो कौन सी क्या पढ़ा था हमने उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी में? पायरेसी। पायरेसी। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये हमने देख लिया है। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में दो तीन चीजें थी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइस और नेटवर्क मीडियम। तो ये थोड़ा बहुत थ्योरी है। चार टाइप से कंप्यूटर नेटवर्क को डिवाइड किया था, PAN, LAN, MAN और वैन। इंटरनेट कौन से में आएगा इसमें से? वैन वैन, वर्ल्ड वाइड हाँ वैन इंटरनेट आपका वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके अलावा कुछ एक आजकल जो टर्म्स ज्यादा यूज होती हैं वो भी मैंने आपको बताया था इसमें, बॉडी एरिया नेटवर्क। आप अपने फोन से अगर किसी को हॉटस्पॉट दे रहे हो तो वो वहां पे का बॉडी एरिया नेटवर्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे से लैन मैन, ये तो हमने पढ़े थे। नेटवर्क टोपोलॉजी, तीन चार तरह की टोपोलॉजी हमने देखी थी, बस टोपोलॉजी, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और उसके बाद है मैश टोपोलॉजी। तो इसमें से सबसे सिक्योर टोपोलॉजी कौन सी है? मेश टोपोलॉजी। हाँ जी वेरी गुड, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में सारे ही कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करना है तो किसी तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सारी की सारी टोपोलॉजी क्लियर है आपको? इसमें से कुछ एक्सप्लेन करना है? आगे बढ़े हम टोपोलॉजी से। ठीक हाँ जी
ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस थोड़े से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा था हब। हब मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ रहा है। इसके अलावा दो तरह के हब हमने देखे थे, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव हब और पैसिव हब में आप डिफरेंस बताएंगे? क्या डिफरेंस है? एक्टिव हाँ जो जी बोल। एक्टिव है वो आगे सिग्नल बूस्ट करके भेजता है, जो पैसिव होता है वो ऐसे ही भेज देता है। हाँ जी वेरी गुड। जो एक्टिव हब है उसके पास जिस फॉर्म में सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था एक प्रोसेस होती है सिग्नल के लॉस होने की, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम, जैसे अटेन्यूएशन। हाँ जी अटेन्यूएशन। तो जैसे ही कहीं पे हम कुछ भेज रहे हैं तो सिग्नल लॉस होंगे। अगर आप चिल्ला रहे हो तो आपकी जो आवाज है वो एटमोसफेयर में जा रही है, तो वो भी कुछ देर जाने के बाद कम होती जाएगी। तो कहीं पे भी कोई भी सिग्नल भेजा जा रहा है तो वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अटेन्यूएशन। तो जो पैसिव हब है वो क्या करेगा, जिस फॉर्म में सिग्नल आ रहा है उसी फॉर्म में आगे भेज देगा। और जो एक्टिव हब है वो क्या करता है, जिस फॉर्म में सिग्नल आ रहा है उन सिग्नल को फिर से बूस्ट करता है और फिर उसे आगे भेजता है। तो ये डिफरेंस हो गया एक्टिव हब और पैसिव हब में। ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये डिवाइस OSI मॉडल हैं ये आप लोग याद कर लेना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है OSI मॉडल को समझना और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। नेक्स्ट हब के बाद हमने पढ़ा था स्विच। तो हब और स्विच में डिफरेंस बताएंगे आप लोग, क्योंकि हब भी बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है और स्विच भी बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है। तो हब और स्विच में क्या डिफरेंस हो गया, जैसे सर, यहाँ स्विच में पे डाटा को स्टोर, पहले वो रिसीव करेगा, फिर स्टोर करके वो चेक भी करेगा और उसके बाद ही उसे फॉरवर्ड करेगा अगर इसमें कोई एरर नहीं हो तो। हाँ जी, ये भी स्विच का एक फंक्शन है। देखिए हब और स्विच में मेन डिफरेंस यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है बी, ये कंप्यूटर है सी और ये कंप्यूटर है डी। अब हब क्या करेगा, हब यहाँ पे ए से अगर कोई डेटा आ रहा है और ए को वो डेटा भेजना है बी के पास, तो हब क्या करेगा, जो डेटा ए से आएगा उसको हर जगह आगे पहुंचा देगा, यानी कि वो डेटा बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा और डी के पास भी वो डेटा जाएगा। तो ये काम आपका हब करता है। स्विच क्या करता है, जो भी डेटा ए भेजेगा सबसे पहले उस डेटा को देखेगा, उस डेटा में कोई मिस्टेक है तो उसे वापस ए को भेज देगा, फिर उस डेटा को अपने पास स्टोर करके छोटे छोटे इंफॉर्मेशन में तोड़ देगा। इस इंफॉर्मेशन को, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को हम पैकेट कहते हैं। फिर इन पैकेट्स को भेजेगा बी के पास और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग आपकी स्विच करता है और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, और हब इसके अगेंस्ट में एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो सेम काम कर रहे हैं लेकिन स्विच उस काम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर रहा है, थोड़ा सा उसको जैसा होना चाहिए उस तरीके से वो काम स्विच करता है। रिपीटर, रिपीटर क्या काम करता है, बहुत ईजी है। कहीं पे अगर सिग्नल कम हो रहे हैं, जैसे सिग्नल धीरे धीरे कम हो गए, तो यहाँ पे अगर हम रिपीटर लगा देंगे तो फिर से सिग्नल को बूस्ट कर देता है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज क्या काम करता है, ब्रिज दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा अगर वो सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दो नेटवर्क अगर अलग अलग प्रोटोकॉल पे अगर काम कर रहे हैं तो उनको कौन आपस में जोड़ेगा, मॉडेम, नहीं मॉडम नहीं, राउटर। सर राउटर उनको जो सर, इसका कोई एग्जांपल मतलब ब्रश का। ब्रिज का एग्जाम्पल, ब्रिज आपका रहता है जैसे कुछ कम्युनिटी सेंटर होते हैं जहाँ पे कि अलग अलग पर्सनल नेटवर्क बने हुए हैं, उन पर्सनल नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम ब्रिज करता है। जैसे पहले के टाइम पे जो ब्रॉडबैंड वगैरह होते थे तो ब्रॉडबैंड वगैरह में जगह जगह पे ब्रिज लगा होता था। तो ये क्या करता है, दो लैन को आपस में जोड़ता है। अब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, कोई कॉलेज है उसका एक नेटवर्क अपने कॉलेज में है, और कोई स्कूल है
उसका भी अपना एक नेटवर्क है बी। अब ये जो दो नेटवर्क को हम कनेक्ट करेंगे, अगर ये सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ब्रिज आ जाएगा, और अगर दो नेटवर्क अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपका राउटर आ जाएगा। अब राउटर का हम एक एग्जाम्पल अभी समझेंगे तो उससे आपको ब्रिज भी क्लियर हो जाएगा। तो राउटर का एग्जाम्पल है जैसे कि जो आपके घर में लगा हुआ रहता है राउटर, ये क्या करता है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के घर में वाईफाई लगा हुआ है उन लोगों को पता होगा कि वाईफाई की एक केबल आती है, वो केबल जुड़ी हुई रहती है हमारे राउटर से, और फिर राउटर वाईफाई के थ्रू हम राउटर से जुड़ते हैं। तो अभी दो नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क है आपका ये वाईफाई और दूसरा नेटवर्क है आपकी ये लैन केबल, तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल पे चल रहे हैं। एक आपका वायरलेस नेटवर्क है और दूसरा आपका वायर्ड नेटवर्क है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम राउटर करता है। पर अगर दोनों ही वायर्ड नेटवर्क रहते हैं या फिर दोनों ही वायरलेस नेटवर्क रहते, फिर उन दोनों को जोड़ने का काम ब्रिज करता है। तो इसीलिए जब भी जिनके भी घरों में वाईफाई लगा होगा तो वहां पे राउटर जरूर लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये जो केबल आ रही है और घर का जो हमारा वाईफाई कनेक्शन है उन दोनों को राउटर जोड़ता है। नेक्स्ट है क्लियर हुआ राउटर और ब्रिज। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है मॉडेम। ये जो मॉडेम है इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? दोनों बोथ हाँ, मॉडम आपका इनपुट डिवाइस भी है और मॉडम आपका आउटपुट डिवाइस भी है। तो मॉडम क्या काम करता है, मॉडम हमारे कंप्यूटर में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। अभी फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर है, बाइनरी पे चलता है ये, इसे बस जीरो और वन की भाषा समझ में आती है, लेकिन ये जो आपकी केबल है इस केबल में बस इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो कर सकते हैं, इसमें तो जीरो और वन फ्लो नहीं कर सकते हैं, इसमें बस इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो करेंगे। तो कोई तो ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो कि इस जीरो और वन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला कोई तो डिवाइस होना चाहिए नेटवर्किंग में, तो वो डिवाइस आपका मॉडम होता है। मॉडम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि वो सिग्नल वायर के थ्रू आगे बढ़ सके, तो इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन हो गया डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब वायर जैसे ही इसको दूसरे कंप्यूटर तक लेके जाएगी तो अभी इसमें जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, लेकिन इसको चाहिए डिजिटल सिग्नल, तो यहाँ पे फिर से मॉडम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके दूसरे कंप्यूटर को देगा। तो इस तरीके से दो कंप्यूटर और जो वायर है वो आपस में कनेक्ट रहती है। तो पहले काम को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, डिजिटल को एनालॉग में बदलना, और दूसरे काम को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, यानी कि एनालॉग को डिजिटल में बदलना। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। मोडेम और पेन ड्राइव में मतलब सर डिफरेंस क्या हो रहा है? तो ये है कि उसमें तो हम नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव में जो नहीं होता है, और लेकिन उनका इनपुट करने का तरीका तो सेम है। नेटवर्क और पेन ड्राइव में आप डिफरेंस पूछ रहे हो? तो मोडेम मॉडेम, और पेन ड्राइव है। देखिए मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कि हम बस कुछ चीजों को स्टोर कर सकते हैं, और उसमें भी जीरो और वन की फॉर्म में ही स्टोर होता है डेटा। एक फ्लैश ड्राइव है। ठीक है, नेक्स्ट। सर जैसे अगर ऑप्शन में ये है ना कि मॉडेम और ये पेन ड्राइव से इनपुट डिवाइसेस को करके, तो इसमें मॉडेम पे क्लिक कर सकते हैं? इन दोनों में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, अगर ऐसा आपको नहीं क्वेश्चन ऐसा आएगा? नहीं हो, अगर मतलब उसमें मॉडेम ही दिया हो, ऐसा दिया हो कूट वाला बी और सी के भी ऐसा करके, तो आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पा रहा है मेरे को, आप फिर से मतलब पढ़। जिसमें इनपुट डिवाइस सिलेक्ट करना हो और इन दोनों ऑप्शन में दिया हो, चार हाँ ऑप्शन तो दिए रहते हैं, तो उसमें दो कूटनीति में रहता ही है कि सिलेक्ट करना है, तो इस टाइप से किस से सिलेक्ट करेंगे? देखो, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर मॉडेम दिया है?
हाँ, पेन ड्राइव आपका ना ही इनपुट डिवाइस है ना ही आउटपुट डिवाइस है, यह आपका मेमोरी डिवाइस है। ठीक मॉडेम आपका इनपुट डिवाइस भी है, इनपुट में भी सेलेक्ट करोगे आप उसे और आउटपुट में भी सेलेक्ट करोगे, दोनों ही डिवाइस है मॉडेम। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जो माध्यम है जिसके थ्रू हमारा नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे एक कंप्यूटर है ए, दूसरा कंप्यूटर है बी, इन दोनों को जिस भी मीडियम से हम कनेक्ट करेंगे वो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया है। तो तीन तरह के हमने गाइडेड पढ़े थे, यानी कि जहाँ पे तार का यूज हो रहा है, और तीन तरह के हमने अनगाइडेड पढ़े थे जहाँ पे कि तार का यूज नहीं हो रहा है। सबसे पहले अगर हम गाइडेड देखेंगे तो तीन तरह से थे आपके, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। भूल गए सर। सर सिग्नल्स हाँ, बैंडविड्थ होती है एक साथ में कितना डेटा किसी किसी भी मीडियम से जा सकता है। जैसे कोई पाइप है, तो पाइप अगर आप इसमें मतलब इसमें पानी जा रहा है किसी पाइप में, तो जिस पाइप की जितनी ज्यादा थिकनेस रहेगी उतना ज्यादा पानी उससे होके जा सकता है। वैसे ही जैसे पाइप में थिकनेस है वैसे ही मीडियम में बैंडविड्थ होती है, जिसकी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ रहेगी उतना ही ज्यादा डेटा उससे जा सकता है और उतनी ही ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड रहेगी। क्लियर हुआ? तो ये सर सर हाँ जी, फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं ना? फ्रीक्वेंसी से, हाँ फ्रीक्वेंसी से भी आप इसे रिलेट कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी और ये एक ही जगह पे रहेंगे, यानी कि मतलब सेम सेम रहेंगे आपके दोनों। तो ये डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतना ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड रहेगी। अब जैसे यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे स्लो डेटा ट्रांसमिशन होता है ट्विस्टेड पेयर में, तो उसकी बैंडविड्थ सबसे कम होगी। कोएक्सियल केबल की मॉडरेट होती है, और सबसे ज्यादा बैंडविड्थ होती है ऑप्टिकल फाइबर की। एक साथ में बहुत सारा डेटा ऑप्टिकल फाइबर में जा सकता है। इंस्टॉलेशन अगर हम देखें तो इंस्टॉलेशन आपका सबसे डिफिकल्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट, अटेन्यूएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा अटेन्यूएशन होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल में, यानी कि सिग्नल का लॉस होना, और उसके बाद मॉडरेटली होता है आपका कोएक्सियल केबल में, और सबसे कम अटेन्यूएशन आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर में। डेटा रेट हमने पढ़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिपीटर स्पेसिंग। तो जिसमें जितना ज्यादा अटेन्यूएशन होगा उसमें हम उतने ज्यादा रिपीटर लगाएंगे या फिर कम रिपीटर लगाएंगे। ज्यादा लगाना पड़ेगा ना फिर। हाँ, ज्यादा रिपीटर लगाने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादा सिग्नल लॉस हो रहे हैं, तो रिपीटर की स्पेसिंग भी हम इस तरीके से करेंगे। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो लास्ट टाइम पे आप पढ़ सकते हो, जैसे बैंडविड्थ हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, अटेन्यूएशन हो गया और डेटा रेट हो गया। उसके बाद एक बार इनके टाइप भी देख लेना। इसका एक बार फुल फॉर्म आया था यूटीपी का, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल का ये टाइप हो गया, और ऑप्टिकल फाइबर के ये दो टाइप हो गए, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। नेक्स्ट है आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। तो रेडियो वेव मैंने आपको बताया था ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, जैसे ये ए है और ये कोई पॉइंट है बी। अगर आपने ए से लेकर बी तक कोई चीज भेजनी है तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो रास्ते में जहां पे भी ये वेव्स हैं, अगर आप इस पॉइंट पे भी बैठे हो तो आपको भी यहाँ पे सूचना मिल जाएगी, आप यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ पे भी आपको सूचना मिल जाएगी। तो ये जो रेडियो वेव है ये ओमनी डायरेक्शनल होती है। इसका एग्जाम्पल, जो डीटीएच वगैरह लगे रहते हैं। हाँ, डीटीएच वगैरह हम कहीं पे भी अपनी अपने घर में डीटीएच लगाते हैं तो हर जगह कनेक्शन आ जाता है क्योंकि वो रेडियो वेव पे ही चल रहा है।
माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शनल होती है, माइक्रोवेव का एग्जांपल हो गया जो हम फोन कॉल कर रहे हैं, तो अगर ए से बी तक किसी को कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल बी के पास जाएगा, बीच में ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा उनकी वॉइस सुन रहा होगा। इंफ्रारेड वेव यूनिडायरेक्शनल होती है लेकिन बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए यूज होती है, तो डायरेक्शनल एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज आपने यहाँ पे याद करना है, फ्रीक्वेंसी रेंज रेडियो वेव की 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज, उसके बाद 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव की रहेगी, और जहाँ पे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी खत्म होती है वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी शुरू होती है इंफ्रारेड वेव की, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी आप लोग पढ़ लोगे। अटेन्यूएशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा अटेन्यूएशन होता है आपका रेडियो वेव में, बहुत ज़्यादा सिग्नल लॉस होता है। आपने देखा होगा कभी अगर बारिश आती है तो डीटीएच के सिग्नल चले जाते हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि बहुत ज्यादा अटेन्यूएशन है, और माइक्रोवेव में अटेन्यूएशन वेरिएबल होता है, कभी अटेन्यूएशन नहीं होगा आपको फोन में बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी चाहे बारिश हो रही है चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन कई बार बिना किसी रीजन के सिग्नल लॉस हो जाते हैं। इंफ्रारेड में अटेन्यूएशन बहुत कम होता है। गवर्नमेंट लाइसेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी कुछ यूज़ कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, माइक्रोवेव यूज़ करने के लिए भी आपके पास गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन इंफ्रारेड वेव यूज़ करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं होना चाहिए। जितने भी टॉयज वगैरह की कार वगैरह आती हैं उनमें कौन सी वेव यूज़ होती है? इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेड उसमें यूज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बीटी वर्सेस वाईफाई, तो ये किसमें आता है आपका, रेडियो वेव माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड में? इंफ्रारेड में इसको रेडियो वेव हाँ ये रेडियो वेव में आती है। देखो वाईफाई का आपने फोन का यहाँ पे हॉटस्पॉट खोला हुआ है तो आपके घर में किसी भी डायरेक्शन में कोई भी बैठा हुआ है तो वो कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि वेव्स चारों डायरेक्शन में जा रही हैं रेडियो वेव की तरह, तो रेडियो वेव ही आपके ब्लूटूथ और वाईफाई में होती है। जो आपके ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है, वाईफाई 3 फ्रिक्वेंसी में हमारे पास आता है, 2.4, 3.6 और 5 गीगाहर्ट्ज है, वाईफाई की ज्यादा होती है। अथॉरिटी पढ़ लेना, ब्लूटूथ की एक अथॉरिटी होती है SIG और वाईफाई की दो अथॉरिटी होती है IEEE और WECA। अथॉरिटी का मतलब अगर आप कोई फोन बना रहे हो तो आपको ब्लूटूथ यूज करने के लिए इस कंपनी से लाइसेंस लेना होगा, और अगर आप वाईफाई लगा रहे हो अपने फोन में बेचने के लिए तो आपको इस कंपनी से लाइसेंस लेना होगा। रेंज याद कर लेना, रेंज से भी क्वेश्चन आया है, वाईफाई की रेंज ज्यादा होती है और आपके ब्लूटूथ की रेंज थोड़ी सी कम होती है। पावर कंजम्पशन, ब्लूटूथ कम पावर लेता है और वाईफाई आपका ज्यादा पावर यूज करता है। नेक्स्ट है बिट रेट, तो ये बिट रेट आपका डेटा ट्रांसमिशन का रेट हो गया, 2.1 Mbps की स्पीड से इसमें हम डेटा को भेज सकते हैं और इसमें हम 600 Mbps की स्पीड से डेटा को भेज सकते हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, नेटवर्किंग मीडियम हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? सर, मुझे ये सर थोड़ा ये क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं अथॉरिटी बताया ना आपने, आ ब्लूटूथ रहा। का स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप वाला, वो बता दीजिए नहीं सर। हाँ देखिए ब्लूटूथ की जो स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी होती है वो होती है SIG, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। अगर कोई फोन बना रहा है और उसमें ब्लूटूथ यूज कर रहा है तो इस कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि इनका पेटेंट है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो वाईफाई जो है दो कंपनीज उसका लाइसेंस देती हैं, IEEE और WECA, तो ये दो इसका वाईफाई का लाइसेंस आपको प्रोवाइड करेंगी। तो ये स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी है, यानी कि इनको इनका अधिकार इन अथॉरिटी के पास है। जी सर, सॉरी राधिका जी, बोलिए आप। हाँ जी सर है ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, फ्रिक्वेंसी ये लेटेंसी हो रही है, आपने बताई थी ना, क्योंकि कंप्यूटर जिंदगी में पहली बार पढ़ा है। उत्तर ओके ठीक है, तो क्या तो मेरे आ गया, बहुत कुछ आ गया, लेकिन हाँ ये फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आ रही है आपको?
हाँ सर, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी वेव कैसे ट्रेवल कर रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे वेव, आप हिंदी में दर बोल सकते हैं, किस स्पीड से दर, मतलब किसी दर से काम करते हैं ना हिंदी में वो। हाँ, किस दर से कोई भी वेव ऑक्सीलेट कर रही है। अब मैं थोड़ा डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। कोई भी वेव जब ट्रेवल करती है, जब आगे बढ़ती है, तो हमेशा इस फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कितने ज्यादा बार वो ऊपर नीचे हो रही है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जैसे कोई वेव है वो बहुत कम बार ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और अगर कोई वेव बहुत ज्यादा बार ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये जो ऊपर नीचे कर रही है वेव, इसे कहते हैं ऑक्सीलेशन करना। तो उस ऑक्सीलेशन को नापा जाता है फ्रीक्वेंसी में। तो इनको जस्ट आप याद कर सकते हो, और उसके पीछे ये रीजन है कि किसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर, तभी सर फोन जो आते हैं ना उसमें लिखा होता है ना इतने गीगा हर्ट्स का अपना प्रोसेसर है और ये सब चीजें फ्रीक्वेंसी है, तो उस हिसाब हाँ, से डिसाइड होता है रेट वगैरह उनकी क्वालिटी है। फोन में आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क करता है, सार वगैरह वैल्यू लिखी रहती है। जी सर, दूसरा, आपने आप अपना ऑफ कर लीजिए जिनका माइक खुला हुआ है। दूसरा आपने पूछा था लेटेंसी, है ना? हाँ सर, लेकिन लेटेंसी हम किसे कहते हैं? लेटेंसी हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका फोन है और दूसरा यहाँ पे कोई दूसरा डिवाइस है। ये आपका फोन है और यहाँ पे कोई दूसरा डिवाइस है, इससे आप ऑडियो सुन रहे हो। तो लेटेंसी कहते हैं कि यहाँ से हमने जो चीज भेजी वो कितनी देर बाद यहाँ पहुंची, तो उसे हम लेटेंसी कहते हैं। जैसे ब्लूटूथ की लेटेंसी ज्यादा है, 200 माइक्रोसेकंड है, यानी कि जो हम इस कंप्यूटर से ब्लूटूथ के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे, तो वो 200 माइक्रोसेकंड के बाद दूसरे कंप्यूटर में पहुंचेगा। वाईफाई की लेटेंसी 150 माइक्रोसेकंड है, यानी कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा ब्लूटूथ की अपेक्षा। अगर हम इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वाईफाई की हेल्प से कुछ भेज रहे हैं, तो वो 150 माइक्रोसेकंड के बाद दूसरी जगह पहुंच जाएगा, इसे हम लेटेंसी कहते हैं। बिट रेट हम किसे कहते हैं कि कितना डेटा एक बार में इसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इसका बिट रेट है 2.1 MB, तो MB तो आपको पता है, PS का मतलब है पर सेकंड, यानी कि अगर ब्लूटूथ के थ्रू मैं आपको कुछ भेज रहा हूं, तो 1 सेकंड में मैं 2.1 MB तक आपको डेटा भेज सकता हूं। और अगर मैं आपको वाईफाई के थ्रू कुछ भेज रहा हूँ, तो 1 सेकंड में मैं आपको 600 MB तक मैक्सिमम भेज सकता हूँ। ये इनके डेटा को भेजने की स्पीड हो गई बिट रेट। समझ में आया? ठीक है, कोई और कंफ्यूजन है आपको इसमें? सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट। अब इंटरनेट पे दो चीजें हमने पढ़ी थी, क्लाइंट और सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर में जो मेन कंप्यूटर है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है किसी वेबसाइट की, वो आपका सर्वर हो गया। और जो भी लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं वो आपका क्लाइंट हो गया। और इंटरनेट इन दोनों को ही जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ी थी, प्रोटोकॉल्स पढ़ी थी। प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल का आप एक बार रिवीजन करोगे। उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। ठीक है, अब इस इंटरनेट में किसी को कोई इश्यू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, फिर हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को करेंगे। इंटरनेट वैसे तो हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर वेब ब्राउजर के नाम एक बार बता दीजिए, एक तो क्रोम हो जाता है जैसे एग्जाम में आ जाए तो, हाँ, वेब ब्राउजर और एक फिर मोजिला, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, सफारी, ये सारे आपके वेब ब्राउजर के नाम हो गए।
ठीक है, तो अभी की क्लास जी एंड करते हैं हम। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।